इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप अपने मोबाइल में थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखिए थ्री फिंगर नीचे से स्लाइड करेंगे, सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाता है। लेकिन आपके अगर मोबाइल में नहीं आ रहा है तो इसे कैसे इनेबल कर सकते हैं, अपनी इस प्रॉब्लम को यहाँ पर आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा डिजिटल प्रभाव यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप थ्री फिंगर को यहाँ पर कैसे इनेबल कर सकते हैं। देखिए इसके लिए सबसे आपको पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। जैसे अपने मोबाइल में सेटिंग में जाएंगे सो यहाँ देखिए ऊपर आपको एक सर्च बार का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं गेस्चर मोशन, या फिर नीचे आएंगे सो यहाँ पर नीचे आने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कन्वर्सन टूल्स का। तो सिंपली यहाँ पर कन्वर्सन टूल्स भी आप सर्च कर सकते हैं, इसके अंदर जो सेटिंग्स होती है उसको भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए गेस्चर मोशन का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये जो मैं सेटिंग्स आपको बता रहा हूँ ये मैं रियलमी के मोबाइल में बता रहा हूँ, तो सभी के मोबाइल में थोड़ी अलग अलग प्रकार की हो सकती है लेकिन नाम वही होगा सेटिंग का। तो आपको सर्च भी कर सकते हैं अगर नहीं मिल रहा इस तरीके से। फिर इसके बाद ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए गेस्चर मोशन स्क्रीनशॉट का इस तरीके से ऑप्शन बंद होगा। अगर आप अब इस तरीके से तीन स्क्रीन एक शॉट बाद तीन मतलब फिंगरप्रिंट एक साथ इस तरीके से करेंगे सो कोई भी फोटो खींचकर नहीं आएगी। जब इस वाले इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है गेस्चर स्क्रीनशॉट्स और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं थ्री फिंगर टू टेक, इस तरीके से आप यहाँ पर लिखा कि थ्री फिंगर नीचे से स्लाइड करेंगे सो आप स्क्रीनशॉट इस तरीके से यहाँ पर खींच पाएंगे। सो आपको सिंपली यहाँ पर आना है और इस तरीके से गेस्चर स्क्रीनशॉट के ऑप्शन को आप इनेबल कर देंगे। सो बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर थ्री फिंगर नीचे स्लाइड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।